लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एंड वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका LBS कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं आज बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन। आज हम लोग अरिथमेटिक मीन के अंतर्गत ग्रुप्ड सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अलग अलग मेथड्स कौन सी है जिनको यूज़ करके हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप्ड सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्रुप सीरीज किस टाइप से होती है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रुप सीरीज के लिए हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन है मीन सैलरी आपको कैलकुलेट करना है और सैलरी जो है वो ग्रुप में दी गई है। सैलरी दी हमको 300 to 500, एक ग्रुप दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी सैलरी 300 से 500 की रेंज में है उनकी संख्या है 4। 500 to 700 की रेंज में जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या है 6। इसी प्रकार 700 से 900 की रेंज में जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उनकी संख्या है 5। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं, सैलरी जो कि ग्रुप में दी गई है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करती है। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम जिस फार्मूले को यूज़ करते हैं वो फार्मूला रहेगा हमारे पास में मीन कैलकुलेट करने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर एक्स जो है वो रहेगी इन ग्रुप्स की मिड वैल्यूज़। तो सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको हम समझते हैं। आपको हर ग्रुप में दो वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, जैसे पहला ग्रुप हमको दिया 300 to 500, इसमें जो लोएस्ट वैल्यू उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और हाईएस्ट वैल्यू को कहते हैं हम अपर लिमिट। तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो मिड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिड वैल्यू जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करेंगे हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 300 से 500 का जो ग्रुप है उसकी मिड वैल्यू आएगी 400। सिमिलरली हर ग्रुप की हम निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू जो हो जाएगी मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है मिड वैल्यू। तो हम हर ग्रुप की मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 300 और 500 की मिड वैल्यू आ जाएगी 400। इसी प्रकार 500 और 700 की जो एवरेज वैल्यू है वो इस ग्रुप की मिड वैल्यू हो गई 600। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में 700 से 900, इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी 800। 900 से 1100 वाला जो ग्रुप है इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000 और 1100 से 1300 वाले ग्रुप की मिड वैल्यू आ जाएगी 1200। तो सबसे पहला काम है हमको सारे ग्रुप्स की मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। इसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हमको करना है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये जो एफ है इसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 400 = 1600, 6 × 600 = 3600, 5 × 800 = 4000, 3 × 1000 = 3000। ऐसे हम सारी F की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे X की वैल्यूज का, 2 × 1200 = 2400। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इन सारी वैल्यूज का सम, तो उससे हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ F मल्टीप्लाई बाय X। तो समेशन इक्वल टू हो जाएगा 0, देन 0, 4 + 6 = 10, 10 + 6 = 16, कैरी 1, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 2 = 1400, 1400 हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स। उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है एन। एन होगा आपका फ्रीक्वेंसीज का सम, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एन, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 6 = 16 और 16 + 4 =
दैट इज इक्वल टू 20। अब आपको निकालना है मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स आया हमारा 14,600। इसको हम डिवाइड करेंगे एन से, एन की वैल्यू है हमारी 20, तो एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 2, 7 जा 14, 2, 3 जा 6, 0, 730। तो हम कह सकते हैं कि जो मीन सैलरी है वो है 730। तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना रहता, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ग्रुप की मिड वैल्यूज़, जिसको एक्स से डिनोट करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एफ एक्स मिलेगा, इसको ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको समेशन ऑफ एफ एक्स, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको एन की वैल्यू, और इनको हम समेशन ऑफ एफ एक्स को एन से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू। तो ये थी ग्रुप सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने की टेक्निक। चलिए अब हम दूसरी मेथड देखते हैं इसी में। जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड, जिसको हम अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, इससे हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे ये हमको देखना है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो फार्मूला, सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या रहेगा। यहाँ पर आप मानेंगे एक अज्यूम मीन, और मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला आएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ए है एक अज्यूम मीन, जो कि हम एक्स में से किसी एक को जो लगभग सेंटर में आ रहा हो उसको मानेंगे, और डी एक्स विल बी द डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम अज्यूम मीन। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है पिछले मेथड की तरह, यहाँ पर हम सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकालना है, 300 और 500 का एवरेज हो जाएगा यहाँ पर आपकी मिड वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 400, 500 और 700 की मिड वैल्यू हो जाएगी हमारी 600। इसी प्रकार हम देखते हैं 700 और 900 की मिड वैल्यू हो गई हमारी 800, 900, 1100 की मिड वैल्यू हो जाएगी 1000, 1100, 1300 की मिड वैल्यू हो जाएगी 1200। अब ये कैसे निकालना है, तो आपको सारी ग्रुप्स की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनका निकालना है एवरेज, मतलब दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दे तो आपको मिल जाएगी मिड वैल्यू। अब हमको निकालना है कि ए किसको मानेंगे हम, तो जो आपकी एक्स वैल्यू आई है उसमें जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है उनका निकालेंगे हम एवरेज। तो 400 प्लस 1200 का एवरेज अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझको मिलता है 600, 1600 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 800। अब आप देख लीजिए ये 800 ग्रुप में अगर है आपके एक्स की वैल्यूज में है तो आप उसको मान लीजिए ए। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे ए इक्वल टू 800, तो ए इक्वल टू हो गया 800। 800 आपने कैसे निकाला, आपने निकाला एक्स में जो स्मॉलेस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू है उनका एवरेज। वो वैल्यू अगर ग्रुप आपके एक्स के कॉलम में मिल रही हो या मिड वैल्यूज के कॉलम में मिल रही हो तो आप उसको मान लिए अज्यूमिंग, और अगर नहीं मिलती हो तो उसके नज़दीकी जो भी वैल्यू मिल रही है आप उसको मानेंगे अज्यूम मीन। तो हमारा ए इक्वल टू हो गया 800। अब हम निकालेंगे डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स जो कि आपकी मिड वैल्यूज है इनका डिफरेंस निकालेंगे हम अज्यूम मीन ए से। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन है, जैसे एक्स है आपका 400 माइनस ए 800 दैट इज इक्वल टू माइनस 400। इसी प्रकार 600 का डेविएशन निकालेंगे हम 800 से, तो आ जाएगा 600 माइनस 800 इक्वल टू माइनस 200। फिर 800 माइनस 800 इक्वल टू 0, फिर 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200, और 1200 माइनस 800 इक्वल टू 400। इस तरह से सारी जो मिड वैल्यूज है उनका हमने डिफरेंस निकाल लिया अज्यूम मीन के साथ में। नेक्स्ट स्टेप है इस डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 400 से, तो आ जाएगा माइनस 1600। इसी प्रकार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 200 के साथ, तुमको मिलेगा माइनस का 1200। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तुमको मिलेगा 0। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, हमको मिलेगा 600। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, हमको मिल जाएगा
800। अब ये जो f इंटू डेविएशन है इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ f इंटू dx। तो पॉजिटिव में 800 प्लस 600 इक्वल टू 1400, नेगेटिव में आ रहा है 1600 माइनस 1200 इक्वल टू माइनस का 2800। तो जो डेविएशन आएगा 1400 माइनस 2800, इसका जो समेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस 1400। अब हमारा फॉर्मूला बोलता है मीन इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू रखेंगे हम, ए की वैल्यू हमने सपोज की थी 800 प्लस समेशन एफ डी एक्स आ रहा है माइनस 1400 और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू आ रही है आपकी 20, तो डिवाइड करेंगे हम इसको 20 से। एक्स बार इक्वल टू 800 माइनस ये आएगा हमारा 70। तो हमारा इस प्रकार से एक्स बार इक्वल टू आ गया 730। तो अगेन हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया 730। तो सेम क्वेश्चन सेकेंड मेथड से आंसर आया है 730, जो कि फर्स्ट मेथड के से मिलता जुलता सिमिलर आंसर हमको मिला। तो सेम आंसर आएगा, मेथड आप कोई भी यूज़ करें। ये थी हमारी शॉर्टकट मेथड जिसमें हमने एक अज्यूम मीन माना था जो कि हमारे मिड वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को हमने मान लिया था और उसके अकॉर्डिंगली हमने अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करी। तो अभी हमने यहाँ पे दूसरी मेथड देखी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड। अब इसी सीक्वेंस में हमारी जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारी जो है वो है ग्रुप सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला रहेगा हमारा एक्स बार दैट इज इक्वल टू अज्यूम मीन ए प्लस समेशन एफ इंटू डी एस डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई। अब बात आती कि व्हाट इज आई, आई क्या है यहाँ पर। तो आई आपके जो क्लास है उस क्लास का जो इंटरवल है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का उस ग्रुप का जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस को हम बोलते हैं आई। तो फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू यहाँ पर हो गया 500 माइनस 300, आई इक्वल टू हो गया आपका 200। ये टेक्निक तभी काम करेगी जब सारे ग्रुप्स का जो इंटरवल है वो सेम हो। तो हम देख रहे हैं ध्यान से, हमारे सारे ग्रुप्स का इंटरवल 200 का आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आई, तो आई की वैल्यू आ रही है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस 200। अब जैसे पिछली मेथड्स में हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था मिड वैल्यू, तो यहाँ भी हम फिर से कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यूज हर ग्रुप की। तो 300 और 500 की मिड वैल्यू आ गई हमारी 400। मिड वैल्यू कैसे निकालना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज हमको कैलकुलेट करना है। तो 500 प्लस 300 इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 400। 500 से 700 का जो ग्रुप है इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 600। 700 900 की मिड वैल्यू आ जाएगी 800, फिर इसकी आ जाएगी 1000 और 11 से 13 वाला जो ग्रुप है इसकी हो जाएगी 1200। तो ये हमारी निकल गई सारी मिड वैल्यूज। अब इनमें से जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू उसका निकालेंगे एवरेज। वो एवरेज वैल्यू अगर हमको ग्रुप में मिल रही है, जैसे यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 1200 और लोएस्ट वैल्यू 400, इनका एवरेज आएगा 400 इक्वल टू 800। 800 हमारे अगर इस मिड वैल्यू के कॉलम में है तो हम उसी को मान लेंगे अज्यूम मीन या ए, जो कि हमको दिख रहा है। तो हमने ए सपोज कर लिया 800। यदि ये वैल्यू आपको इस कॉलम में ना मिले तो इसके नज़दीकी जो भी वैल्यू मिल रही है उसको आप मान लेंगे ए। तो हमको ए मिल गया, आई मिल गया। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। तो मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट करके बताऊँ, यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू है 400, तो 400 माइनस ए है हमारा 800 डिवाइडेड बाय आई है हमारा 200। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 200 माइनस 2। सिमिलरली नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है 600, तो 600 माइनस ए 800 डिवाइडेड बाय
200, 600 माइनस 800 इक्वल टू माइनस 200 डिवाइडेड बाय माइनस 200 इक्वल टू माइनस 1, देन 800 माइनस 800 अपॉन 200, दिस विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट x की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 800, 1000 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 1, एंड फाइनल जो वैल्यू हमारी 1200 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस इज अवर ds. अब हमको कैलकुलेट करना है f मल्टीप्लाई बाय ds. तो f की वैल्यू 4, ds की वैल्यू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8, 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6, देन नेक्स्ट वैल्यू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इनका सम. तो f इंटू डी एस का सम इक्वल टू 4 प्लस 3 7, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, माइनस 14 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7. फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन x बार. a हमारा सपोज किया था हमने, a की वैल्यू आई थी 800, 800 प्लस समेशन एफ डी एक्स आया है आपका माइनस 7 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है आपकी 20, आई जो क्लास इंटरवल था वो था हमारा 200, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 200 से. एक्स बार इक्वल टू 800, ये कैंसल हुआ 10 टाइम्स माइनस 70, तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया यहाँ पर फिर से 730. तो ये हमारी थर्ड मेथड है जिसको कहते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक अज्यूम मीन लेते हैं और उसको डेविएट करते हैं, उसका डेविएशन निकालते हैं एक्स के साथ में और उसको डिवाइड करते हैं हम क्लास इंटरवल से, तो हमको मिलता है डेविएशन, स्टेप डेविएशन. फिर स्टेप डेविएशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उस कॉलम का टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, और फिर इस समेशन को हम डिवाइड करते हैं एन से, तो हमको मिल जाता है अरिथमेटिक मीन. तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि ग्रुप सीरीज़ के लिए अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये तीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रुप सीरीज़ के लिए अप्लाई की जाती है. तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना उसके बारे में आज जाना. नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और मीडियन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.